इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। बाज़ दफ़ा कहते हैं यार गोश्त गला नहीं, तो आपने बहुत हाई स्पीड में उसको पकाया और बाद में जब वो ठंडा हुआ तो उसके जो टिश्यूज़ हैं वो दोबारा अपनी जगह स्टिफ होने लग जाते हैं। अच्छा, कोई सोडा तो नहीं डालना हमने, मीठा सोडा डालने चाहें तो डाल लें, वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, सोडा वगैरह डाला जाता है कि ताकि ज़रा जल्दी गल जाए। ठीक है आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें हमने ऑयल इतना नहीं लेना है और अभी थोड़ा गर्म हो जाए। 1 अदद प्याज दरमियाना स्लाइस इसमें हमने डाल दिया, ये ग्रेवी टाइप का दाल टाइप का जैसे बनता है उस, हाँ ज़्यादा हाँ सॉस होगा थोड़ा बहुत। अच्छा। ताकि आप रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं इसको। ठीक, अच्छा जी, जी मुंबई से कॉलर हैं हमारे साथ, नाज़मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? नाज़मा की है जी। नाज़मा जी क्या फरमाएंगी? जी मैं आपका शो अच्छा लगता है, आप अच्छे लगती है और हमारे शेफ कि मुझे फरमाइश भी करना है, मुझे बटर नान सिखा दीजिए। बटर नान? जी हाँ, बटर नान की फरमाइश आइए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश नोट कर ली गई है और एक दिन हम आपको जो है वो दिखाएंगे, अब जिसमें रोटी या नान वगैरह हम बनाएंगे तो उसमें बटर नान बता देंगे आपको। अच्छा, और सुने आपके रिश्तेदार रहते हैं कराची में? जी मुझे आपको मैगजीन चाहिए मैम। हाँ ना, तो मुझे बताइए ना आज का जवाब, कच्ची मछली पकी डैश? इस बारे में तो मुझे मतलब ज्यादा मतलब वो नहीं पता। नाज़मा आप प्रोग्राम तो देख रही हैं, हमने जवाब भी बता दिया। अरे बहुत देरों बाद मेरी कॉल लगी है और मुझे मैगजीन चाहिए आपकी मैम। अच्छा इंशाल्लाह, आप मुझे जवाब तो बताएं ना, तो मैं आपको कम से कम नाम तो डालूं उसमें। मुझे सॉरी मुझे नहीं पता। गैस गैस कच्ची मछली पकी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पपीता पक्का, कच्ची मछली पक्की मछली, पक्की मछली। ठीक है लेकिन मुझे मैगजीन चाहिए आपका। अच्छा ठीक है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका नाम निकालें देखकर चीटिंग करके। ओके ओके नाज़मा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा जी जी क्या प्याज भी सौते हो रहे हैं और हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबित ऐड किया हमने इसके अंदर। ठीक है, अच्छा थोड़े से SMS शामिल करूँ जब तक प्याज ब्राउन हो रही है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रा सी हिंट देने की देर होती है हमारे नाज़रीन को और फिर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आज हम दे रहे हैं ज़ोनास की तरफ से एक खूबसूरत सा ये बैग है, आप कुछ भी पहनेंगे, ये बड़ा स्टाइलिश है, कलर भी इसका बड़ा अच्छा है कि ये जाएगा। इसके अलावा ज़ोनास फेमस फॉर इट्स फुटवेयर, आप इनकी शॉप भी विज़िट कर सकते हैं, जमजमा पे भी है और डॉलमन मॉल में भी है। इसके अलावा मसाला टीवी फूड मैगज़ीन जो हर कोई पढ़ना चाहता है। अच्छा, कच्ची मछली पक्की मछली, आयशा फ्रॉम कराची, इन्होंने हमें मैसेज किया है, मुगलाई शेफ जी आप और आपका शो वेल डन। ये कौन है, ऑर्डर हो गया है? अच्छा, और प्लीज़ बैग गिफ्ट कर दें, मेरा बैग आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, सो स्वीट। अच्छा जी, आपका बैग आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो आपको हम नया बैग दे देते हैं। कच्ची मछली पक्की मछली ये हमें भेजा है किपर अप आयशा फ्रॉम कराची ने। आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है, क्वाइट डिफरेंट एंड नाइस। और आबिदा फ्रॉम रावलपिंडी, पक्की मछली कच्ची मछली, योर शो इज़ ऑसम। ये जो मुहावरा हमने आज आपसे पूछा है, अगर आप लोगों को याद है कि इसके मायने क्या है तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैंने बताया था। तो अब जो भी नेक्स्ट कॉलर होगी तो ज़रा सा, बल्कि ऐसा करेंगे, कच्ची मछली पक्की मछली को हम टंग ट्विस्टर बना देते हैं और आप लोग इसे 4 दफ़ा बोलिएगा जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा किरण, मैं अब इसमें ये प्याज थोड़ा थोड़ा वाइट और थोड़ा गोल्डन ब्राउन भी हो रहा है, तो इसमें मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ठीक है, अभी तक हमें ना पिक्चर कॉम्पिटिशन के लिए तस्वीरें आ रही हैं और जी, आप लोग शामिल हो सकते हैं। ये हमारा एवरी मंथ का ये कॉम्पिटिशन है, लाइवली पिक्चर कॉम्पिटिशन, एंड ऑफ द मंथ हम विनर के नाम अनाउंस करते हैं, देखते हैं कि कल कौन जीतता है। हम इसमें 1 कप विच इज़ अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ दीज बीन्स, किडनी बीन्स, अदरक लहसुन डाला हमने, उसके बाद हमने इस बीन्स को
इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा सौते करेंगे हम। अच्छा, ये भी काफ़ी क्विक बनने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उबले हुए हों हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये अब हम इसमें टमाटो प्यूरी मैंने बनाया हुआ, तकरीबन एक कप, दो तीन टमाटो, साइज आपके पर अगर दो बड़े हैं तो दो से काम हो जाएगा, तो हमने एक कप इसमें डालना है। ठीक है, अच्छा तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा अपना भी आप लोगों को फीडबैक दूंगी, जैसे आप लोग हमारे शो का हमें फीडबैक देते हैं, अपना तस्वीरें आप लोग भेजते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा है, कुछ कुछ ने ऐसा किया कि बस डिश में निकाला है, दो तीन खींच आपने वो डिशेस लेआउट करके और तस्वीर खींच दी है। हम जो असल पॉइंट देना चाह रहे हैं वो उस पर देना चाह रहे हैं, एक तो रेसिपी देखने में अच्छी लगे, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो, ना कि सिर्फ निकाल के अच्छी खूबसूरत सी और आपने डिश में ऐसी डाल दिया हो उसको। और चमचा प्लीज़ ना रखा करें डिश में, जो भी सर्व आप चीज़ कर रहे होते हैं चमचे नहीं होते हैं सर्व करते वक्त। और एक चीज़ और, एक दो तस्वीरें मैंने देखी थी, सिर्फ प्लास्टिक रैप भी चढ़ा हुआ था, वो तो कम अज़ कम उतार कर आप तस्वीर खींचिए ना, ताकि तस्वीर अच्छी आए, आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाल रहे हैं तो थोड़ी सी टिप्स ये ले लें, और बाकी तो नवर साहब की गार्निशिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। या, मैं थोड़ा सा नमक चेक कर रहा हूँ। ठीक, मेरा काम आप कर रहे हैं, सही है। हमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके नेशनल में भी थोड़ा बहुत सॉल्टी था जी, फिर हमने जो यखनी बना रहे थे उसमें भी हमने सॉल्ट डाला था। ठीक है, अब हम इसको दम पे रख देते हैं। इधर राजमा रेडी हो रहा है, आपने देखा कि मैंने टमाटो प्यूरी जो बनाया था 1 कप इसमें डाल दिया है, अब इसमें जोश आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं रेड चिली पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून, 1-2 जैसे आप फील कर रहे हैं, एंड देन वी विल ऐड धनिया पाउडर, नॉट धनिया, हमने पहले भी इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा साबुत डाला था, और अब इसके ऊपर हमने ज़ीरा पाउडर भी डालना है अलग। अच्छा। से 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट हसबे ज़रूरत, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी दे दिया हमने। अच्छा, नमक रहता है। ठीक है, हसबे ज़रूरत। अब हम बढ़ सकते हैं आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बढ़ते चले जाएं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। एंड राजमा इज ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, ये भी तैयार है। जी हाँ, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 से 2 हरी मिर्च आप थोड़ा सा काट के डाल दीजिए। अच्छा, चावल भी हमने दम पे रख दिए हैं, राजमा भी तैयार है। तो अच्छा ऐसा भाई, जैसे आएंगे हम बात करेंगे जादू पे आज। जादू। आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? मेरे साथ जादू तो नहीं हुआ या पता नहीं किसी ने किया हो, मुझे नहीं पता, मगर वाकई इट्स एक खतरनाक चीज़ है, अल्लाह इसको सब सबको बचाए इससे। लेकिन मेन जो आज बात है वो ये है कि हम जो ये सोचते हैं कि हर रुकावट, हर नाकामी और हर बंदिश की एक ही वजह हो सकती है, जहन हमारा एक हाँ जादू है, किसी ने जादू कराया, नज़र, ये सारी चीज़ें लगती हैं, ये चीज़ें हैं बिल्कुल। एंड इसकी तोड़ क्या है वो इंशाल्लाह आज हम ईसा भाई से पूछ लेंगे। सब कुछ हाँ। बिल्कुल, मसाला क्योंकि काफ़ी भून गया है, थिक हो गया है, तो आई एम जस्ट एडिंग लिटिल वाटर। ठीक है, ये बीन्स किरण बड़ा मज़ा आता है खाने, एंड विथ चावल खास तौर पे, बॉयल चावल हो या पुलाव राइस हो, इसके अच्छा साथ बड़ा मज़ा आता है। बीन्स और बीन्स खाने चाहिए हमें, हमें अपने डेली मील में रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार हमें बीन्स इस्तेमाल करना चाहिए, इनमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ प्रोटीन होता है, बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो जनाब हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पुलाव भी हमने दम पे रखा है, और ये पुलाव में जो खुशबू
इसकी खुशबू में इजाफा किया है वो नेशनल के मसाले ने किया है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप जीत सकते हैं बहुत कुछ हमारे शो के ज़रिए और बहुत कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आज ईसा जी के साथ हम बात करेंगे जादू पे। कोई सवाल आपके जहन में तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। रजमा रसमसा अज्जा, रेड किडनी बीन्स 200 ग्राम, नमक हसब ज़रूरत, लहसुन अदरक पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, टमाटर प्यूरी 1 कप, हरी मिर्च 3 अदद, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, साबित ज़ीरा 1/2 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, दही 1/2 कप। अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम अपना सेगमेंट ईसा जी के साथ शुरू करेंगे, लेकिन पहले एक राउंड हम किचन का लगा लें कि हमारे ये जो आज की मुगलाई रेसिपीज़ हैं ये कहाँ तक पहुँची हैं। राजमा रसमा तैयार हो गया है और पुलाव भी रेडी हो गया है, और अब मैं मतंजन पुलाव का जो गार्निशिंग है वो तैयार कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा ज़ाफ़रानी एसेंस और कलर इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। शेवरा शेवरा तो नहीं है ना इसमें? नहीं, मैंने ज़ाफ़रानी एसेंस इस्तेमाल किया। अच्छा, पुलाव इज़ रेडी और यहाँ मैंने ज़ाफ़रानी एसेंस और इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड किया एंड इसको फ्यू ड्रॉप्स। नहीं, ये होता है असल पुलाव का कलर। अक्सर लोगों के घर में हम खाते हैं बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। वो या तो यखनी नहीं ठीक बनी हुई होती है, प्याज ठीक से नहीं ब्राउन की हुई होती है, फ्लेवर नहीं होता। हाँ, लोग बनाते हैं बिल्कुल, आप प्याज को कच्चा का जो वो बिल्कुल वाइट जो आ जाता है ना, मगर इस तरह का थोड़ा सा कलर आना चाहिए। जब आप सारे मसाले हैं, गरम मसाला है, प्याज है, थोड़ा बहुत ब्राउन हो, देन उसकी जो जब वो पकेगा यखनी तैयार होगी। कम से कम 15-20 मिनट तो यखनी को पकने दें, उसके बाद आप देखें क्या नाइस फ्लेवर आएगा और कलर भी आएगा। अच्छा, ये जस्ट ऐसी तकल्लुफत कहते हैं ना, वो कलर डाल। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया है और अभी इसको मैं ज़रा कवर कर रहा हूँ। इधर हमने एक छोटा सा फ्राइंग पैन लिया है एंड इसके हम सौते करेंगे हमारा जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आप चाहें तो थोड़ा बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी कर सकते हैं, ऑयल, इट्स अप टू यू कि आप अपने खाने में क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमने अबाउट 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसमें। तो सुनिए, ये जितने ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनको हम करेंगे साथ? बिल्कुल। अच्छा, इसे फ्लेवर में थोड़ा सा आएगा, ऊपर गार्निशिंग, ऊपर गार्निशिंग हो जाएगी, अंदर भी हमने डाला हुआ है थोड़ा सा। जब आप खा रहे होंगे तो आपके मुँह में कभी कैजू नट आ रहा है तो कभी बादाम आएगा, कभी किशमिश आएगा, कभी मिक्स पील पाइनएप्पल, और ये इसके ऊपर हर चीज़ के लिए खूबसूरती तो चाहिए ना। एंड जो भी डिश होती है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी प्रेजेंटेशन। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन के बाद आप उसको स्मेल करते हैं एंड देन यू ईट, तो फर्स्ट थिंग इज योर आई कॉन्टैक्ट, सारे पॉइंट्स काउंट होते हैं। बिल्कुल। तो ये हम पाइनएप्पल भी कर लिया, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया एंड इसमें